अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिया है, घर आपका गुजरात, आ गए दिल्ली, तो आपने तो खुद माइग्रेंट है, इल्लीगल हो, लीगल तो बात के पता चलेगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक गंभीर विषय रखना चाहता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान के व्यक्ति तो उन पर गर्व करते ही हैं, हमारे देश का नागरिक पूरी दुनिया में जहां भी रहता है बड़े गर्व और सम्मान के साथ उनको स्मरण करता है, उनको याद करता है, उनके प्रति आदर का भाव रखता है। बड़े दुर्भाग्यजनक तरीके से विगत दिनों मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसदीय दल के, कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन जी ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी घुसपैठिए हैं, ये गुजरात से छोड़कर दिल्ली में घुसपैठ करके आए हैं। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अधीर रंजन जी यहां बैठे हैं, ये एनआरसी का विरोध करते हैं, जहांगीरपुर में, मुर्शिदाबाद में, मालदा में, रायगंज में, बेरामपुर में आप स्वयं सिंडिकेट चला रहे हैं, वहां पर घुसपैठियों को अंदर लाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, उनको घुसपैठिए कहकर ये उनका निरादर कर रहे हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, मोदी जी हिंदुस्तान के गौरव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन जी सदन में बैठे हुए हैं, सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, इनको आपके समक्ष सदन के सामने क्षमा याचना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। चूंकि ये पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बाहर करने का काम हमारी सरकार कर रही है और ये घुसपैठियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, इस पर विराम लगे और ये खेद व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं। आपको माफी मांगनी चाहिए। नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी आपको मांगनी पड़ेगी अधीर रंजन जी, माफी मांगनी पड़ेगी। ये गलत बात है प्रधानमंत्री जी के लिए कहना, गृह मंत्री जी के लिए कहना, आपको सौंपा नहीं देता, माफी मांगिए। आप जिन्होंने सम्मान बनाया देश का, मान बनाया, उनको आप कहते हो खुश बैठिए। सर 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 कांग्रेस पार्टी के जो नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन्फिल्ट्रेटर है, घुसपैठी है, ये तो बहुत, कितने शब्दों से वे इसमें खंडना करते हैं तो भी कम है सर। कांग्रेस पार्टी आफ्टर द लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल परहैप्स फील्स दैट स्ट्रॉन्ग डिसिसिव लीडर हु हैज द सॉलिड मैंडेट ऑफ द पीपल they are calling him inflator. This shows they are not still able to realize the mandate of the people, sir. His statement is outright insult to the people of our country who have elected Modi ji with a renewed and resounding mandate, sir. This is also a manifestation of the Congress side of federalism, sir. I strongly condemn his statement, sir. And he comes from West Bengal. He is the leader of the Congress party here. Can we call them an infiltrator? What is he talking? He should talk responsibly. Yes! Sir, yes! let him understand, sir. Let him understand. We are forced to draw the inference that Congress party led by an infiltrator will obviously pursue the others in the same way. Unka party ka neta hi infiltrator hai. Hamare party mein ke bare mein kya bolta hai? They are the infiltrator. And he is from West Bengal. What is he talking? Wo kya baat kar raha hai? Pradhan Mantri ji, jisko itna mandate mila hai. After the 35 years. Logo to phasi pe charane ke pehle bhi unko mauka de deta hai. Hame bhi to mauka diya karo. And people, अभी भी विश्व में अति विश्वप्रिय नेता कोई है तो भारत को सर विश्वप्रिय और मोह करके इनको नरेंद्र मोदी जी है जो मैंने कहना चाहता था उनको गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं किस हालत में, किस संदर्भ पे, किस लिहाज पे ये बात कही, ये पहले समझना पड़ेगा। आप बिना कुछ सोचे समझे टिप्पणी करने लगे, मुझे तो बोलने को दिया करो और मुझे मेरी बात सुनने को कम से कम प्रयास करना चाहिए आप लोग। ना प्रधानमंत्री, हमारा भी प्रधानमंत्री से मैंडेट मिला है और जिस गृह मंत्री ने 370 मोदी जी के मार्गदर्शन के हटा के एक इतिहास बनाया है,
ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे गृह मंत्री को आपने जो स्टेटमेंट दिया है यू शुड विथड्रॉ दैट स्टेटमेंट एंड अपोलगाइज अनकंडीशनल अपोलगाइज यू शुड मेक अनकंडीशनल अपोलगाइज। स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा बोलने तो देंगे कम से कम। ऐसा नहीं बोला मैंने, ये बोल रहे हैं। अरे मैं खुलेआम चिकाता हूं कि मैं और मेरा पिता माता सारे बांग्लादेश में थे, तो बांग्लादेश में जब थे तो यहां जब आए कागजात तो सारे सबके पास नहीं था, क्योंकि इतने सालों से हम यह रहते हैं आजादी का समय से, यह हमारा देश है, हमारा मुलुक है, तो कागजात रहने की कोई मतलब हम नहीं समझते थे। तो इसलिए एक मिनट तो इसलिए अगर अभी कोई कह दे कि आप घुसपैठिया है तो मैं घुसपैठिया बन जाऊंगी, क्या करें हमारे देश में। एक बार बोलने तो दीजिए। अच्छा आप मेरे बात सुनने का उपरांत अगर आप संतुष्ट ना हो तब ना मैं क्षमा मांगूंगा। अगर मेरे बात कम से कम सुना तो करो, मेरा बात अगर आपको प्रसन्न नहीं कर सकते तो आप जो मुझे हो कह दो। हमारे देश की कार्रवाई 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है। हमारे देश ये माइक आगे सभापति महोदया, यहाँ के जो सबसे बड़े पार्टी अपोजिशन के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, इनका इतिहास रहा है, ये जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वो चाहे जंगीपुर का इलाका हो, चाहे मुर्शिदाबाद का इलाका हो, चाहे बहरामपुर का इलाका हो, इन्होंने जिंदगी भर बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ का नागरिक बनाने का काम किया है। और इस कारण से इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, इस देश के गृह मंत्री के ऊपर इन्होंने घुसपैठिया शब्द का उपयोग किया है, और वो इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, इसीलिए उनको जो है सो सम्मान में कहता हूं कि माफी मांगनी चाहिए, पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये सदन नहीं चल सकता है, क्योंकि ये अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। इन्होंने जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और मुझे ये लगता है कि इनके ऊपर खुद भी भारत सरकार को एक इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए कि इनकी नागरिकता भारत की है कि नहीं है, यह पहले साबित हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस इलाके को बिलोंग करते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का इलाका है, और लगातार उस इलाके में चाहे वो जांगीपुर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे बहरामपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे अररिया हो, चाहे किशनगंज हो, कटिहार हो, चाहे गोड्डा हो, देवघर हो, सब जगह बांग्लादेशी घुसपैठियां पड़े हैं, और उसको बढ़ाने में इस व्यक्ति का और तृणमूल कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इनको माफी मांगनी चाहिए। और इस देश में जो ये दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य के आधार पर जो दंगा फैला रहे हैं, ये गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, इस देश में रहने वाला नागरिक सभी भारतीय है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के इंटीग्रिटी के लिए 370 और 35 से आने के बाद जिस तरह से ये विदेशी साजिश काम कर रही है उसके ये कर्पदार हैं, और इसीलिए इनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। संजय जायसवाल जी, महोदया, माननीय कांग्रेस के नेता इस देश को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में जो भी भारत का नागरिक है उसको इस देश में रहने का अधिकार है, और जानबूझ करके इन्होंने अपने एक साजिश के तहत जो भी घुसपैठिए हैं उनको बचाने के लिए इस तरह का वक्तव्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जानबूझ कर यह बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने एक विदेशी को अपना नेता बनाया है और एक साजिश के तहत यह चाहते हैं कि घुसपैठिए को, चाहे वह रोहिंग्या हो, चाहे दूसरे देश के आने वाले कोई भी घुसपैठी हो, उन सबों को यह बचाने के लिए एक साजिश के तहत इसको विवाद का विषय बनाने के लिए इन्होंने कहा है। मेरी आपके द्वारा अपील होगी कि वह सदन में माफी मांगे, इस देश से माफी मांगे और इस सदन से माफी मांगे कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है वह बहुत ही दुखद है, और इस तरह से जानबूझ के उनकी मजबूरी होगी कि किसी विदेशी महिला को अपना पार्टी का लीडर मानने की, इस देश में जानबूझकर विवाद किया जा रहा है, इस देश में जानबूझ करके इस चीज को बनाया जा रहा है जिससे बांग्लादेशियों को
और रोहिंग्याओं को गलत ढंग से शरण मिल सके, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। और अधीर जी बहुत ही सीनियर नेता है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वह सदन से माफी मांगेंगे और इस तरह की चर्चा कभी दोबारा नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। नहीं नहीं, माफी मांगनी, माफी मांगना पड़ेगा। मैंने दोपहर, मैंने लंच से पहले मैंने उनसे आग्रह किया था, माफी मांगना चाहिए उनको। मेंबर्स ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। आप तील को ताल बनाना चाहते हैं। मैंने राम कहा, ये तो नहीं चलेगा, राम सुनाई दिया तो मैं क्या करूं। आपको अगर दम है तो मेरे बात सुनिए और मुझे बोलने का मौका दीजिए। अगर दम है, अगर दम है तो बोलने दीजिए और मेरे बात भी बोलने दीजिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बंगाल में, असम में प्रधानमंत्री ये घुसपैठिया 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 चलते एक के बाद एक आम नागरिकों को खुदकुशी की कागार में हम पहुंच दिए हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान के नागरिक अभी खुदकुशी कर रहे हैं, बंगाल में चाहे, असम में चाहे, चारों तरफ। ये जो भय भी और डर का माहौल पैदा हो गए हैं, इससे निपटना जरूरी है। नहीं नहीं, अगर नहीं सरकार अगर एनआरसी लाना चाहते हैं तो एनआरसी सदन में लाइए। बाहर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? बाहर आपको बयानबाजी के चलते हिंदुस्तान के आम लोग घबरे हुए हैं, हिंदुस्तान के आम लोग भयभीत हुए हैं। इससे मैं कहूँ अगर ऐसा भी हो सकता, जैसे मैं बैठ जाइए, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए। टीवी पाकिस्तान से आए हैं, आडवाणी जी भी पाकिस्तान से आए हैं, चाहे नरेंद्र मोदी, हाँ आए हैं उन लोग, आप बैठ गए। तो इसलिए आप कहते कि हर सुबह में अलग अलग एनआरसी हो रहा है, हर सुबह में अगर अलग अलग एनआरसी, जब तक इनके नेता तो इटली से आए हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, उनको सिर्फ माफी मांगना चाहिए बाकी सब रिकॉर्ड से। ऑल इज अदर स्टेटमेंट शुड बी एक्सपेंस फ्रॉम द रिकॉर्ड। माफी मांगे, माफी मांगनी होगी, माफी मांगे। अभी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, माफी मांगिए। मैडम, मैंने तो लंच से पहले भी कहा था कि अधीर रंजन चौधरी का जो कुछ भी स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जी को लेकर और माननीय गृह मंत्री जी लेकर, दिस इज हाईली इरिस्पॉन्सिबल, कंडेमेबल एंड इट कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। एंड द पर्सन हु इज द मोस्ट पॉपुलर एंड हु गॉट द mandate second time, this is the only prime minister who got the mandate second time, non-congressive leader ko agar dobara dusri bar mauka desh ke logon ne diya hai to wo pradhanmantri narendra modi ji ko diya hai। aise pradhanmantri ji ko lokpriya neta ko inhone guspaiti kaha hai, inka khud ka neta guspaiti hai। he is not understanding that his president of the congress party he guspaiti hai and he is talking that our leader Narendra Modi who comes from the most poor background, इनका तो बैकग्राउंड देख लीजिए, ही कम्स फ्रॉम ए वेरी वेरी ऑर्डिनरी फैमिली एंड ही हैज रीच्ड टू दैट लेवल एंड ही इज टॉकिंग, ही इज कॉलिंग हिम एज अ इन्फिल्ट्रेटर एंड टू द अमित शाह जी ऑल्सो। आई कंडेम दिस स्टेटमेंट। इफ कांग्रेस पार्टी हैज गॉट सम लिटिल सेंस दे शुड ही शुड इमीडिएटली अपोलोगाइज। अदरवाइज आई वुड लाइक टू डिमांड फ्रॉम श्रीमती सोनिया गांधी एंड मिस्टर राहुल गांधी, दे शुड अपोलोगाइज ऑन हिज बिहाफ। शुरू करा दिए मैडम। माफी मांगनी चाहिए। आप जितना भी बात किए हैं उस तरह की बात जो भी बोला गया है, आप सीधे माफी मांग लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं। घुसपैठिया कह रहे हैं हमारे लीडर सोनिया गांधी जी को, घुसपैठिया कह रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हो आप? हम मानेंगे क्या?
तो आपका लीडर भी घुसपैठिया है, अगर मेरा लीडर है आपका लीडर भी है। हिम्मत है तो मेरे बात सुनो, मान लो आज जी। धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्ष सभापति जी। मुझे वास्तव में बड़ा आश्चर्य है और बड़ा दुख है कि अधीर रंजन जी जो इतने वरिष्ठ सांसद हैं अभी भी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, देश के गृह मंत्री जी के बारे में जिस प्रकार उन्होंने टिप्पणी की है उसके विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता मैं, सारा देश जानता है। लेकिन कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण से, इन्हीं नीतियों के कारण से देश के अंदर घुसपैठिए घुसते रहे, कांग्रेस की सरकारें बसाती रही, और जो लोग नेहरू लियाकत समझौते के बावजूद जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए उनको उन्होंने शरण नहीं दी, उनके खिलाफ भी खड़े रहे, देश के अंदर वैमनस्य का भाव पैदा किया। ये लोग वोट बैंक की राजनीति केवल करते रहे हैं, देश का कितना नुकसान उनके कारण से हुआ है इनका ने अंदाजा नहीं है। पूरा जो हमारा उत्तर पूर्व है, पूरा जो बंगाल है उसका डेमोग्राफी चेंज हो गई इनके कारण से। और इसी प्रकार की बात करते हैं, इन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। और सोना जी के बारे में हम नहीं कहना चाहते, 18 साल तक उन्होंने नागरिकता नहीं ली, देश की बहू बनने के बाद भी, ये रिकॉर्ड है, ये बताएं ये किस आधार पर क्या बात कहते हैं। इन्हें क्षमा मांगे, कोई दफाई न दे, कोई रेफरेंस करते इसकी बात ना करे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और मुझे उम्मीद है अधीर रंजन जी सबसे देश के अंदर जिस दल ने शासन किया उसके नेता है, उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अवर डिमांड फ्रॉम द ट्रेजरी बेंच वॉज दैट इट ही शुड अनकंडीशनली अपोलगाइज एंड हाउस शुड रन, बट अधीर रंजन चौधरी बीइंग द सो मच रिस्पॉन्सिबल मेंबर and senior member and leader of the party, he is not ready to apologize, but the responsibility of the government is to run the house. They have become senseless. Unko koi samvedana nahi hai, isiliye main aapko request karta hu, since they are irresponsible aur congress kabhi bhi sudharte bhi nahi hai and Adhir Ranjan bhi sudharte nahi hai, isliye main aapko nivedan karta hu, ye band karke aap aage ka jo karyavahi hai kripya le lijiye. हिंदी में वही जाएगा। नंबर 11 और 12 कराधान विधि संशोधन विधेयक को शुरू किया जाए, और ये माफी वाला ये सवाल आप सबों को जरूरी है कि इनको माफी मांगना चाहिए, और इतना बात जो बना रहे हैं नहीं बनाना चाहिए। मेरे तरफ से अनुरोध है, अब इनका संवैधानिक संकल्प है, करें। ये सुनिए, श्री अधीर रंजन चौधरी जी संवैधानिक संकल्प पे मूव करें। कौन सा संकल्प? संवैधानिक संकल्प। मैडम दैट दिस हाउस डिसअप्रूव ऑफ द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 नंबर 15 ऑफ 2000